विश्वविद्यालय की खबरें। नमस्कार जोहार, आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सब का रेडियो। मैं हूं आरजे रंजन। मैं आरजे शिल्पी और हम लेकर आए हैं विश्वविद्यालय से जुड़ी जानकारियां। रांची विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र विभाग में 2 दिवसीय एमए इन रूरल डेवलपमेंट कोर्स सत्र 2021-23 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर रखा गया है। रांची विश्वविद्यालय की ओर से बीबीए एलएलबी सेमेस्टर 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसकी परीक्षा सितंबर में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता माह के तहत एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची के मनोविज्ञान विभाग में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची के निर्देशक डॉक्टर वासुदेव दास ने अपने संबोधन में विशेषकर कोरोना काल में उत्पन्न अवसाद की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अकेलेपन और आशंका की स्थिति में बहुत से लोग मानसिक समस्या से ग्रस्त हुए हैं। इसी संस्थान के सहायक व्याख्याता डॉक्टर दीपांजन भट्टाचार्य ने उन कारणों पर प्रकाश डाला जिनके चलते विशेषकर युवा मानसिक समस्या से ग्रस्त होते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में बीजेएमसी बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमजेएमसी मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीएफएम बैचलर इन फिल्म मेकिंग और एमएफएम मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग कोर्सेज के नए सत्र की शुरुआत 18 अक्टूबर से हो रही है। इन सभी कोर्सेज में नामांकन अभी भी जारी है। रांची विश्वविद्यालय की ओर से बीडीएस परीक्षा 2020 का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। इसमें फर्स्ट बीडीएस, सेकंड बीडीएस और थर्ड बीडीएस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। विद्यार्थी अपना रिजल्ट रांची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए वोकेशनल के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक विद्यार्थी 6 अक्टूबर से 1 नवंबर तक नामांकन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं। पहली चयन सूची 3 नवंबर को जारी की जाएगी। इस चयन सूची के आधार पर नामांकन 12 से 20 नवंबर तक लिया जाएगा। नया सत्र 22 नवंबर से शुरू होगा। खाली सीटों पर नामांकन जारी रहेगा। रांची विश्वविद्यालय के मॉडल डिग्री कॉलेजों में इस अकादमिक सत्र 2021-22 में सभी कॉलेजों में पहले कटअप पर नामांकन लिया जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय के स्नातक अंतिम सेमेस्टर सत्र 2018-21 की परीक्षाएं पूजावकाश के दौरान आयोजित होंगी। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत बीए, बीएससी, बीकॉम और वोकेशनल पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक संचालित की जाएंगी। यह ऑफलाइन परीक्षा 22 केंद्रों पर कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संचालित की जाएंगी। कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने बताया कि परीक्षा के साथ ही मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा ताकि समय पर रिजल्ट निकले। एनटीए द्वारा जारी ताज़ा नोटिफिकेशन के अनुसार 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होने वाली यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 की परीक्षा तिथि को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। अगली जानकारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से है। DSPMU में UG और PG के विद्यार्थियों को बिना सेमेस्टर एग्जाम के पास कर दिया जाएगा, सिर्फ फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा होगी। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में इस सत्र से अब 3 वर्षीय बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई होगी। इस कोर्स में किसी भी विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण विद्यार्थी स्नातक कर सकेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड CUJ में PhD कोर्स में नामांकन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक होगा। वहीं मेरिट लिस्ट 13 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने एक बार फिर PhD व MPhil थेसिस जमा करने की तिथि बदल दी है। कोरोना महामारी के कारण पहले UGC ने 31 दिसंबर 2020 से 30 जून 2021 तक तिथि बढ़ाई थी, पर अब थेसिस जमा करने की तिथि 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। हम फिर से हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक हमें यानी RJ रंजन और RJ शिल्पी को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।